जी हेलो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये रिकनेक्ट के ये जो होते हैं, क्या कहते हैं, TWS, इनको गलती से भी अपनी ज़िंदगी में परचेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने परचेज़ कर लिया है या आप उस और जा रहे हैं परचेज़ करने की तरफ, तो आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं। और अगर आपने ये मेरा वीडियो देख लिया तो आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सही वीडियो दिखाया कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहिए। आप राह से भटक रहे थे, और अगर ये प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है फालतू की। ओके, तो हुआ क्या था कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट बाय द वे। ओके, दिखने में बहुत सस्ता लग रहा है, मतलब मैंने जब ये ख़रीदा था तभी मुझे करीबन 630 रुपये का पड़ा था, इफेक्टिवली कैश बैक एंड ऑल एवरीथिंग इंक्लूड करते हुए। तो मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया, बहुत एक्साइटेड था। 17 फरवरी को प्रोडक्ट परचेज़ किया, हफ्ता भर लगा करीबन आने में, ठीक है आ गया प्रोडक्ट। बट आते ही सारी हवा टाइट हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट था खुला हुआ, देख रहे हैं ये सब चीज़ें ना, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स तो थे बट जो इसके USB केबल और होती हैं वो नहीं थी, ठीक है। ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी, और एक ये वारंटी वाला ये कार्ड, ये भी इंक्लूडेड था। बट डब्बा खुला हुआ था पहले से ही, और ये जो ये फ़ोन के जो ये वाला हिस्सा होता है आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने अच्छे से साफ़ किया है। ओके, जो वाइप्स होते हैं बच्चों के, उनसे, क्योंकि यहाँ पे पीला पीला कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या लगा हुआ था, पीला पीला आप समझ सकते हैं क्या लगा हुआ था इन पे। खोला, डिसअपॉइंट हो गए कि अरे यार ये क्या हुआ, ख़राब है चीज़, वापस रिटर्न रिप्लेसमेंट कुछ करना पड़ेगा। बट मैंने जब इसका देखा एप्लीकेशन के ऊपर कि भाई साहब ये चीज़ तो ऐसी है, अब मैं इसको डाल देता हूँ रिटर्न रिप्लेसमेंट पे, तो मैंने पाया कि माफ़ कीजिए, तो मैंने पाया कि इसकी प्राइस जो पहले 699 थी वो बढ़ के हो चुकी थी 2499, मतलब 2500 रुपये का करीबन इसकी प्राइस हो चुकी थी। और मैं इसे रिटर्न अगर करता तो ये रिटर्न हो जाता, मुझे मेरे पैसे मिल जाते, बट मुझे रिप्लेसमेंट या ऐसी कोई चीज़ मिलने वाली थी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते, तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, ओके प्रोडक्ट गलती से ख़राब निकल गया या आपकी किस्मत ख़राब थी, ओके आपने जब रिटर्न या रिप्लेसमेंट के ऑप्शन पे गए, खाली रिटर्न का ऑप्शन है, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, कंपनी की पॉलिसी है, तो आप क्या करते हैं? आप मेरे ख्याल से ये सोचते कि अरे एक काम करते हैं, इसके सर्विस जो है वारंटी कार्ड है इस पर लिखा हुआ है कि भाई साहब 1 साल की वारंटी है, और इस नंबर पे कॉल कर लो, जो भी होगा मिल जाएगी, तो आप निश्चित हो जाएंगे 1 साल की वारंटी है। तो इसका एक काम करते हैं, इसको सर्विस सेंटर पर डाल देते हैं, सर्विस सेंटर वाले सही कर देंगे, ओके आपको प्रोडक्ट सही होकर वापस हाथों हाथ मिल जाएगा कुछ दिनों में, ओके। और 3 गुना प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन सोचता है कि यार सर्विस ही करवा लेते हैं, है ना, पैसे अगर मतलब वापस मिल भी जाते और प्राइस जब बड़ा होता तो आपको एक दुख होता कि यार किस्मत ही ख़राब थी। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इसको सर्विस सेंटर पर डाल देते हैं, ओके वहाँ से ये सही होके आ जाएगा, और 2500 रुपये मैं तो नहीं परचेज करने वाला, ओके 2500 रुपये का खर्चा करके ऐसी कोई चीज़ अभी मैं नहीं कर सकता परचेज़, ओके। तो मैंने सोचा ठीक है सर्विस सेंटर पे डाल देते हैं और वहाँ पे मुझे ये चीज़ सही होके वापस मिल जाएगी, ओके। दिक्कत ये हुई उसके बाद कि इनके वेबसाइट, जियो मार्ट के वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा था कि मेरा ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर ही नहीं हुआ, और डिलीवर हो चुका था मुझे 24 से 25 फरवरी को, बट मैंने कितनी ही रिक्वेस्ट की, उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ मुझे 2 मार्च को, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई समस्या थी, ओके। फिर मैं गया वहाँ पे रिलायंस, इसके जो सर्विस, उसके बाद क्या दिक्कत हुआ, मैं सर्विस सेंटर पे पहुँचा कैसे, ओके मैंने सबसे पहले इस नंबर पे फ़ोन किया, अब देख पा रहे, मैंने सबसे पहले इस नंबर पे फ़ोन किया, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोन करने के बाद इस नंबर वाले मुझे कहते हैं कि भाई साहब इसका सर्विस सेंटर है यहाँ पे आपके, वहाँ पे भी मेरे शहर के अंदर, वहाँ पे चले जाइए आपका सर्विस हो जाएगा, ठीक है। मैं सर्विस सेंटर वाले उस जगह पे गया, वहाँ पे वो मुझे बोलते हैं कि भाई साहब
ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते, रिलायंस डिजिटल पे जाइए। ओके, रिलायंस डिजिटल वाले स्टोर पे मैं गया, वहाँ पे कहते हैं कि ये आपने जियो मार्ट से ख़रीदा है, हमारे यहाँ से नहीं गया, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर कितनी ही परेशानियों के बाद मैंने मतलब फिर इस नंबर पे फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि नहीं जियो मार्ट वालों से करो बात। जियो मार्ट ने कहा कि नहीं हमसे मत करो, रिकनेक्ट वालों से करो, हम तो बस एक सेलर हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि इसका जो सर्विस सेंटर वाला आदमी था वो कह रहा था मैं इसकी सर्विस नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता करना, ओके आप कहीं और जाइए। अब सर्विस सेंटर वाला ही कह रहा है इस नंबर पे फ़ोन करने के बाद जो एड्रेस आपको बताया जाता है, वो एड्रेस वाला बंदा कहता है कि मैं इसकी सर्विस नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे? ओके, मैंने कितनी, ये जो होती ना सरकारी ऑफिस के अंदर जो दिक्कतें, आपको इधर भेजा जाता है, इधर वाला इधर भेजता है, फिर इधर वाला इधर भेजता है, फिर इधर वाला कहता है आपने इधर क्यों आए, ये इधर वाले का काम है, इधर वाले के पास जाते हैं वो, तो मुझे नहीं पता यार ये यहाँ पे क्यों, वो वाली हालत हो गई थी। ठीक है, जितने का ये प्रोडक्ट नहीं था उससे आधे का तो मैं पेट्रोल खर्च कर चुका हूँगा, अपने वर्क को छोड़ के मतलब इधर उधर जाने का काम कर चुका हूँगा, कि मुझे ये मेरे ग्रह नक्षत्र, इसलिए मैं कह रहा हूँ खराब थे। तो फिर क्या हुआ, आज जैसे आज तारीख है करीबन 13 मार्च, ओके 13 मार्च को अंदर मुझे कल, एक्चुअली कल 12 मार्च को एक, ओके मैं एक दो चीज़ें बताना भूल गया आपको, तो वो सर्विस सेंटर वाले इधर उधर करते रहे। उसके बाद मैंने एंड में क्या किया, इनके जो ईमेल आईडी होते हैं सारे, ये इधर का ईमेल आईडी, रिलायंस डिजिटल का ईमेल आईडी, जियो मार्ट का ईमेल आईडी, सब पे डाल दिया कि अगर आप मेरा सॉल्यूशन नहीं करोगे मैं कोर्ट जा रहा हूँ। ठीक है, फिर जाके मुझे सॉल्यूशन मिलता है और उन्होंने कहा कि ठीक है आप सर्विस सेंटर पर जाइए। सर्विस सेंटर पर मैं गया, सर्विस सेंटर वाले ने मेरा प्रोडक्ट ले लिया, मुझे एक जॉब शीट दे दी। जॉब शीट में दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास जॉब शीट कहाँ है, ओके हाँ जॉब सीट एक्चुअली उन सर्विस सेंटर वालों ने अभी रख लिए। तो ये हुआ था करीबन आज से एक हफ्ते से पहले, मीन्स करीबन 7-8 दिन हो गए, 8-9 दिन आई थिंक सो। तो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे एक जॉब शीट दे दी और कह दिया कि हम आपको कॉल कर देंगे जब ये चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सर्विस सेंटर से आ गया। अब मुझे लगने लगा कि ठीक है बढ़िया है, अब मिल जाएगा, सर्विस सेंटर से आ गया। तो सर्विस सेंटर वालों, और कल मुझे एक मैसेज आता है, ठीक है 7-8 दिन पहले मैं सर्विस सेंटर पे दे चुका था, और कल मुझे एक फ़ोन आता है कि वैसे आपने एक रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी इस प्रोडक्ट की। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं डाली थी, मैं तो सर्विस सेंटर पे गया हुआ है, सर्विस हो रहा है बढ़िया से, ओके आएगा इस नहीं आया, मैं क्यों रिटर्न करूँ, क्योंकि रिटर्न मैं करना नहीं चाहता, इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ चुकी है और मैं ऐसा कोई घाटे का सौदा क्यों करूँगा जब सर्विस हो रही है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप कैंसिल कर दीजिए। तो मैंने वो रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। आज मुझे सर्विस सेंटर वाले का फ़ोन आता है कि ये प्रोडक्ट हम सही नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप, सर्विस सेंटर वाला इस प्रोडक्ट को सही नहीं कर सकता, सर्विस सेंटर वाला नहीं कर सकता, सर्विस सेंटर का ऊपर वाला नहीं कर सकता, उसके ऊपर वाला, मतलब इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद इनके पास इस प्रोडक्ट की कोई सर्विस नहीं है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है ना भाई साहब आपका, इस प्रोडक्ट की कोई सर्विस नहीं है, रिप्लेसमेंट होता नहीं है ये, ओके सर्विस इसकी है नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब होगा ये आपका फिर रिटर्न, ओके और रिटर्न करने के बाद अब इसकी प्राइस है बढ़ चुकी। अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़राब होता है तो इसकी कोई सर्विस नहीं, ये जो चीज़ लिखी हुई ना यहाँ पे, ये ऐसा प्रतीत होता है ये सिर्फ उल्लू बनाने के लिए लिखी गई है। ठीक है, रिकनेक्ट, रिलायंस, ये सब थर्ड क्लास कंपनी है, ये थर्ड क्लास प्रोडक्ट है भाई साहब, इसे कभी मत खरीद लीजिएगा, ओके आप बहुत दुख पाएंगे अगर आपको खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया। पहली बात इसकी मैं सर्विस सेंटर पे इसलिए गया क्योंकि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब है, गंदा प्रोडक्ट है, चलता भी नहीं है, ओके मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट चलता है। अभी मैं इसको ऐसे करके चार्ज चार्जिंग में लगाऊंगा, ठीक है तो ये चार्ज होगा, 2-3 मिनट चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज नहीं होगा। देखिए अभी मैंने 2 लगाए हो रहे हैं चार्ज, 2-3 मिनट होगा फिर चार्ज नहीं होगा, मतलब फुल चार्ज होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर वापस करके ऐसे लगाएंगे फिर वापस चार्ज होने लग जाएगा, फिर 1 मिनट होगा, तो ऐसे कर करके ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 से 40 मिनट का इसको पावर दे सकते हैं। इसकी पावर एटलीस्ट इनकी कोई है क्लेम्ड, इतने घंटे चल सकता है, ये चलता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एंड ऑफ द पॉइंट ये है कि कल अब इसको कह रहे हैं कि ये रिटर्न होगा। सर्विस सेंटर वाले ने फिर वो डिलीवरी बॉय से बात की, डिलीवरी बॉय वाले ने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। कस्टमर केयर से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम एक टेक्नीशियन से आपकी बात कराएंगे, ये कराएंगे, बट
और देखिए बात ये है ना कि कितने का प्रोडक्ट है ये, ठीक है 630 का पड़ा मुझे। आप अगर कोई काम करते हैं, आप इतना टाइम अगर अपने काम पे फोकस लगाएंगे तो आप 630 क्यों, 6,000 रुपये कमा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे पहले, फिर ये होंगे ख़राब। ओके, फिर आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर आप मेरे जितना, मैंने जितना इस पर टाइम स्पेंड किया ना, मुझे नहीं लगता कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप वर्किंग हैं तो आप इतना टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया होता आपने। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि अगर मैं इतना टाइम अपने काम पे स्पेंड किया होता तो मुझे 6,000 नहीं, सॉरी 630 नहीं, 6,030 का फ़ायदा हो जाता है एटलीस्ट, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे प्रोडक्ट ना खरीदें, ठीक है, ये रिकनेक्ट की चीज़ें होती है, ठीक है। बड़ा ही रद्दी जाहिल सा प्रोडक्ट है ये। आवाज़ अच्छी है, नो डाउट आवाज़ अच्छी है इसकी, थोड़ा सा लैग है और सारी चीज़ें हैं, बट इस प्राइस पॉइंट पे आवाज़ अच्छी है, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बट सर्विस है ही नहीं। मतलब अगर आपकी किस्मत रही, वही बात है ना, वो अपन, अगर कुछ लोगों को याद होगा आज से 10 साल पहले हम क्या करते थे, चाइनीज़ फ़ोन है, ओके, तो ये चाइना से बन के आया हुआ है, ठीक है, चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो नहीं चला, आपकी किस्मत ख़राब है। तो किस्मत वाली बात, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ख़रीद सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो आप खरीदिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल मत कीजिए। रिलायंस की कनेक्ट का मैं अपना बिल भी दिखा देता हूँ, मैं अपनी ज़्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं करूँगा, बट क्या दिखा सकता हूँ मैं इसमें, यही मतलब एक दो चीज़ें हैं जो मैं दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखिए मेरे बिल, ठीक है, तो ऐसा बिल है, मतलब बिल यहाँ से आया भाई, ये देख पा रहे आप, तो यही है कि बहुत ही बेकार का प्रोडक्ट है रिकनेक्ट का, ये मार्वल का प्रोडक्ट, बस अच्छा दिखता है, बिल्कुल मत खरीदिएगा, बिल्कुल मत खरीदिएगा इस प्रोडक्ट को कभी भी जिंदगी में, गलती से भी बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत ज़्यादा पछताओगे। देखिए आप मेरी बात चाहे ना माने, आपको खरीदना हो खरीदिए, बट अगर आपके पास फालतू का पैसा पड़ा है, आपको अपने पैसे के साथ ऐसे वो कहते हैं चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत भुगतेंगे। तो यही था रिकनेक्ट का TWS, जो भी है बड़ा ही जाहिल सा घटिया सा प्रोडक्ट है, कभी मत खरीदिएगा। और उम्मीद है मेरा मेरा छोटा जियो मार्ट का खुला हुआ आया था। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर मुझे स्कैम करने की भी बहुत कोशिश आई, मुझे कॉल्स आए थे कि आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, आपको इतना लाख का जीता है, ये चीज़ जीते हैं, तो ये लोग ऐसे भी करते हैं, आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कैसे क्यों, मतलब ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं फिर कभी, बाय।